नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए ये पांच काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। कौन से हैं वो काम, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन उत्सव 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि एक बड़ा पर्व होता है, इसलिए नवरात्रि की तैयारी के लिए ये काम आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पांच कार्यों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, आज ही कर लें साफ सफाई। दोस्तों, नवरात्रि में अपने घर पर मां दुर्गा के स्वागत के लिए सबसे पहले अपने घर की सफाई कर लीजिए। विशेषकर पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करके और शुद्ध कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि माता रानी केवल उन्हीं के घर आती हैं जिनके घर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर 2, घर से तामसिक भोजन हटा दें। दोस्तों, नवरात्रि मां शक्ति की उपासना का पर्व होता है, इस दौरान सात्विक चीजों को महत्व दिया जाता है। ऐसे में अगर आपने अपने फ्रिज में कुछ नॉनवेज रखा है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे हटा दें। नवरात्रि में लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि व्रत का पूरा सामान मंगा लें। दोस्तों, नवरात्रि व्रत की सामग्री आपको मंगा लेनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखने जा रहे हैं तो घट स्थापना में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री को फौरन ही मंगा लेना चाहिए। नंबर 4, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनवाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बेहद पवित्र माना जाता है। घर में माता के स्वागत के लिए अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बना लें। कलश स्थापना के समय स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। नंबर 5, बाल और दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में बाल और दाढ़ी मूछ कटवाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप उसे फौरन ही कटवा लीजिए। इसके साथ ही नाखून भी कटवा लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान नाखून काटना शुभ नहीं होता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।